हमारे बीच में बंधु चौधरी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और इस समय आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं इस SC ST आरक्षण के उप वर्गीकरण को लेकर के, ये भी धरने में आए हुए हैं। सर आप बताएं, इस जो आज यहाँ पर भारत बंद का आयोजन किया गया, पूरे भारत बंद किया गया है, बस्ती में भी इसका असर था, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आज जो ये प्रकरण है कि पूरे भारत देश में OBC SC का जो आरक्षण है सरकार द्वारा लूटा गया है। जो शिक्षक भर्ती अभी हुआ है उसमें आप देखे हैं काफी अनियमितताएं हुई हैं। इसी कानून के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 वर्ष का कारावास होता है। आज उसी कानून के तहत माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से युवा और OBC और SC के बच्चे, ये जो 69,000 की भर्ती जो शिक्षक में हुई है, इन्होंने सीधे 40,000 हमारे आरक्षण का घोटाला किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुआ था, उसी तरह इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे OBC SC के बच्चे आरक्षण से वंचित हो गए हैं और जो इसमें दोषी लोग हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और एक जो फैसला आया है कोर्ट का, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ कि हमारे OBC SC के बच्चे पढ़ लिख कर आज बेरोजगार हुए हैं और उनका नंबर भी नहीं था, उनको नौकरी दे दी गई है। तमाम ऐसी अनियमितताएं हैं आज उसको लेकर। इस बारिश में आप देख रहे हैं पूरे जिले में कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। बारिश इतनी जबरदस्त हो रही है बस्ती जनपद में, फिर भी हमारे नौजवान साथी, आजाद समाज पार्टी के लोग, बसपा के लोग, संयुक्त हमारे OBC SC के जितने नौजवान साथी हैं यहाँ पर आए हैं। मैं मांग करता हूँ कि सरकार द्वारा जो 69,000 की भर्ती की गई है उसको नियुक्त कर जो पात्रता में आते हैं उनको नौकरी दी जाए, और नहीं तो ये आंदोलन और तीव्र होगी। इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की होगी, हमारे ये नौजवान साथियों की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि नौजवान देश का है। ये हमेशा पढ़ाई लिखाई कर समाज को ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हमारे आरक्षण को दबा रही है, हमारे लोगों को दबा रही है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे अभी नेताजी का आदेश है, चंद्रशेखर आजाद जी का, कि लोकतांत्रिक ढंग से आप लोग ज्ञापन देंगे, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक हमारी जो मांगे हैं वो आप लोग मांग अपनी जो है कि DM के माध्यम से राज्यपाल महोदय के और ये राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा। इसमें अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो और विशाल रूप जो है कि आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी, और हम सब लोग एक हैं। एक बार आप लोग न लगाइए, आजाद समाज पार्टी का श्री राम अमर रहे, जगर भाई जिंदाबाद, घोटाला में योगी को जेल करो, शिक्षक घोटाला में योगी सरकार को जेल करो, उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, नौजवान जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 मार में जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, संघर्ष करो, चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, संघर्ष करो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जय। मेडिकल स्टोर खुला है, बाकी दुकान बंद है। सभी वगैरह सब खुला है, बाकी बंद है।